उज्जवल चुग हमारे साथ जुड़े हैं, एआई एक्सपर्ट हैं आप। उज्जवल चुग, मैं जानना चाहता हूं इस G20 बैठक से एआई के तौर पर आप क्या देखते हैं, भारत को क्या हासिल होने जा रहा है? सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, G20 बैठक में अगर हम एआई के इंटीग्रेशन को देखें तो ये एक बहुत बड़े स्तर पे आगे एक ऐसा विजन खींचने वाली है जो भारत को एक बहुत बड़ी सोने की चिड़िया बनाने वाला है, ये बात कंफर्म है। और इसकी कहीं ना कहीं अगर आप रूट्स देखेंगे वो रख दी गई है, क्योंकि अगर हम G20 का अध्याय देखें जो सन 1999 में बनी थी, ये बनी ही इस मकसद से थी, जो 90s में फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे उस फाइनेंशियल क्राइसिस को कर्व कैसे करना है, तभी वो 7 कंट्रीज, पहले ये G7 होता था फिर ये G20 बना। तो अगर आज हम बात करें आज के युग में जहां पर भारत का फिनटेक इतना आगे बढ़ चुका है और इवन क्रिप्टोनाइजेशन की बात आ गई है कि कैसे हमने क्रिप्टो को रेगुलेट करना है, तो एआई की जब बात आती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिप्टो और फिनटेक में पूरी पूरी इंटीग्रेशन में है, जो हम नेक्स्ट लेवल पर देख रहे हैं कि भारत का विकास जो हो रहा है और जो नेक्स्ट लेवल पे भारत एक वर्ल्ड को लीड करेगा, और ये G20 उसका एक साक्षात बहुत बड़ा प्रमाण है, जहां पर भारत ने बहुत अच्छे मूव्स लिए हैं जब उसको प्रेसिडेंसी मिली है। प्रेसिडेंसी का मिलना एक, क्योंकि वो रोटेट होती है, आज भारत के पास है, अगले साल ब्राजील के पास होगी, मगर जो उसको स्मार्टली यूज करके भारत ने बहुत अच्छे मूव लिए हैं उसमें एआई नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा हमारे इस पूरे के पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम के, पूरे भारत को फिनटेक को बहुत बड़ा आगे पुश मिलेगा। और अगर हम बात करें एआई आज के नेक्स्ट युग की, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, तो बिना एआई के इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती, और उसमें क्रिप्टो का बहुत बड़ा रोल है जिसको रेगुलराइज करने की ऑलरेडी बात हो चुकी है। तो ये G20 समिट जिसमें भारत ने इस पूरे के पूरे प्रस्ताव को लेकर के आया है और इस मुद्दे को लेकर के आया, और भारत को पहली बारी ऐसा बड़ा मौका मिला है। कहते हैं ना, हर इंसान का वक्त आता है बट मायने ये रखता है कि आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो भारत ने उस चीज को दिखा दिया है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हम कितना कुछ काम कर रहे हैं। सर बने रहिए हमारे साथ, उज्जवल चुग हमारे साथ एआई एक्सपर्ट मौजूद हैं। उज्जवल, क्या बदलने जा रहा है एआई की दुनिया में भारत में इस G20 से, और क्या बदल जाएगा भारत में? देखिए, एआई की डेवलपमेंट तो भारत तो बहुत अग्रसर है ही है, और भी बड़ी सारी कंट्रीज में हो रही है, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एआई को जब तक आप किसी एआई का खुद का वजूद नहीं है, जब तक आप उसको किसी भी यूटिलिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल ना कीजिए। और जो हम इस G20 समिट में बातें कर रहे हैं, चाहे हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, चाहे हम ग्रीन फ्यूल की बात कर रहे हैं, इतनी सारी चीजों की, तो हर जगह पे भारत ने इतना काम कर लिया है, अलग अलग निश के, अलग अलग एरियाज के ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स आए हैं जिन्होंने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ऐसी ऐसी चीजें लाई हैं। तो हर प्रॉब्लम के साथ जब एआई की इंटीग्रेशन होती है तो एआई का सही मायने में इस्तेमाल होता है, और भारत इस मामले में सबसे अग्रसर है, क्योंकि यहां पर हर उस एरिया को जो भारत का कल्चर, जो डाइवर्सिटी है उसमें, और सबसे बड़ी मार्केट, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट होने की वजह से